हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज चुके हैं सुबह। अब देखो स्कूल ड्रेस देख के ताकि मालूम चल गया कितना बज रहा होगा अभी और क्या, मतलब स्कूल ही जा रहा हूँ, स्कूल के लिए रेडी हो चुका हूँ और व्लॉग स्टार्ट करने सुबह से मेरे टाइम नहीं मिला था तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। मतलब और अभी मतलब आज मैं जल्दी तैयार हो गया, मतलब पता नहीं कैसे, मतलब अभी 9:45 नहीं हुआ, 9:40 तक ही मैं रेडी हो चुका हूँ स्कूल जाने के लिए। और रेडी होने के बाद अब टाइम है नाश्ता करने की, तो अभी देखते हैं नाश्ते में बन क्या रहा है। और ये नाश्ते में फिर से यूट्यूब पर से देख के कुछ ये अलग कुछ बन रहा है ये, और इसके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं आलू वगैरह की। तब ये भी बन रहा है, ये पूरा बना हुआ है, ये इसका फीलिंग बना हुआ है, आलू मटर। तभी ये प्योर देसी घी में बन रहा है, मतलब रिफाइन वगैरह हम लोग नहीं यूज़ करते हैं जल्दी, क्योंकि दूध देखो रिफाइन से होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा बढ़ेगा, घी से आपका उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने वाला है, आपको वो मतलब उतना हार्म नहीं करेगा जितना कि आपको रिफाइन या फिर ये डालडा वगैरह करते हैं, तो हम लोग बाहर का रिफाइन वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। तो अभी वो बन रहा है और अभी इसे टेस्ट करूँगा मैं। टोमेटो सॉस ख़त्म हो चुका है वरना मैं इसको टोमेटो सॉस से खाता है अभी, एक दो दो है टोमेटो सॉस है, इट्स माई गुड लक टोमेटो सॉस बचा हुआ है अभी, नहीं तो मेरे को लगा सब खत्म हो चुका है, इसे लाना पड़ेगा। तभी है तो अभी इसको खाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि आज प्रॉपर मेरे क्लास टीचर ने वार्निंग दे दी है कि अगर आज मैं टाइम से नहीं गया स्कूल तो मेरे को मेरे क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसीलिए आज थोड़ा जल्दी है, इसीलिए आज मैं बहुत जल्दी तैयार हो गया, मतलब 9:45 से पहले मैं तैयार हो गया कि ताकि 9:45-50 तक एकदम निकल जाऊँ स्कूल के लिए। तो आज थोड़ा वही टेंशन अभी, और जल्दी जल्दी खाते हैं और स्कूल के निकलते हैं, स्कूल से निकले स्कूल से आके फिर जो प्लान है वो मैं बताऊंगा क्या प्लान है। तो अभी जल्दी जल्दी खाते हैं इसको और तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है ये। और जहाँ तक मेरे को लगता है इसका टेस्ट का अंदाज़ा मेरे को है, ये थोड़ा सा आलू का पराठा टाइप का लगेगा क्योंकि आटा ही है और फीलिंग भी वही थोड़ी थोड़ी टाइप की है, उसी को इतना अभी इसको खाना और मिलते हैं बाद में स्कूल से आने के बाद। हाँ जी, तो स्कूल से आने के बाद मतलब स्कूल से आने के बाद से मतलब रोज़ पता नहीं क्या हो रहा है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा थक जा रहा हूँ स्कूल से आने के बाद, मतलब सुबह बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जा रहा है ना, सुबह जाना जिम, सुबह उठो जल्दी, फिर सुबह जिम जाओ, जिम से आओ तो ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आओ तो स्कूल जाओ, मतलब बिना ब्रेक लगातार, मतलब बहुत ज़्यादा शेड्यूल हैक्टिक रह रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहा है। तो आज अभी का सीन क्या है, मतलब अभी रात हो चुका है, अभी बज रहा है 6:30 शाम के, तो अभी क्या करना है, अभी का सीन ये है कि हमने सोचा कुछ व्लॉग तो है नहीं कुछ करने को, या फिर कुछ करने को नहीं है, तब बहुत दिनों से हो रहा था कि क्या करें क्या करें। तो अभी हम लोगों ने आज प्लान बनाया, मैंने और मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, तो उनके उन लोगों का प्लान है, हम लोग का क्या प्लान है कि अभी हम लोग करेंगे चिकन पार्टी। चिकन पार्टी क्या, मतलब चिकन लेके आए हैं, चिकन बनाएंगे, और अब जो लोग वेज हैं उन्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उसके लिए तो वो तो पूरा व्लॉग ही देख सकते हैं, उनके लिए तो पूरा व्लॉग ही फुल ऑफ इन्जॉयमेंट है। तो अभी वो सीन है, और तो आज जो देखो ट्विस्ट ये नहीं है कि हम चिकन पार्टी करने वाले हैं, ट्विस्ट ये है कि जो चिकन बनाने वाला है वो भी मेरा फ्रेंड बनाएगा, वो आएगा तो मैं बताऊंगा कौन है, कौन बनाने वाला है, कौन कौन आ रहा है, तो सब अभी आने वाला था। तो अभी वही चिकन हम लेके आ चुके हैं, तो जब आते हैं मेरे फ्रेंड्स तो मैं आपको मिलाता हूँ उनसे, फिर बात करते हैं। अभी फिलहाल यही हो रहा है, और क्या हो रहा है, मतलब मैंने सोचा आज करना था हमें कुछ और, मतलब आज कुछ और प्लान था हम लोग का, कुछ कोई और वीडियो शूट करने थे, मतलब वीडियो शूट नहीं करने थे, मतलब कोई और ब्लॉग बनाना था, कहीं और जाना था, लेकिन वो प्लान नहीं बन पाया तो उसकी वजह से ये प्लान बन गया। ओके, तो फिलहाल यही जो कार्यक्रम चल रहा है उसी को चलने देते हैं। अभी मेरे सारे फ्रेंड आ चुके हैं, सारे फ्रेंड में क्या हम लोग 4 लोग हैं, लोग तो मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कौन कौन है अभी। तो एक तो मैं हूँ तो आपको पता है, दूसरा ये मेरा फ्रेंड देवानंद, और वो है अमित, और एक वो है अभिषेक। तो अब देवानंद और अभिषेक को तो आप 2-4 बार मेरे ब्लॉग में देख चुके होंगे, अमित है जो पहली बार मतलब मेरे ब्लॉग में आया पहली बार, और थोड़ा और इस समय कौन बना रहा है चिकन वो मैंने बताया था कोई मेरा फ्रेंड बनाने वाला, लेकिन ये मैंने बताऊंगा कौन बना रहा है, उसमें वैसे कोई प्रॉपर नहीं बना रहा, सब कोई मिल के बना रहा, कभी कोई हाथ लगा रहा है कभी कोई हाथ लगा रहा है, और महफिल जमाने के लिए मस्त उन्होंने अपना वो लाइट जला दिया, लेकिन अब आईएसओ की वजह से दिख नहीं रहा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। We'll be right back.
अभी अपना चिकन बन रहा है। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, किसी को आप अपने घर में बुला लो और वो फ़ोन में बिजी हो जाए, तो फ़ोन में अभी कौन बिजी हो चुका है, एक वहाँ बिजी है फ़ोन में, ये भी फ़ोन में बिजी है ईयरफोन लगा के, मतलब इतने लोग के पास बैठने के बाद भी ईयरफोन लगा के नहीं, ज़रूरत पड़ती है, बताओ कैसे हो सकता है, यही तो सीन चल रहा है अभी। तो खाना पी के हो खाना खा पी के हो चुका हमारा, और खाना खाने मतलब सबको लेट हो चुका है, 9:30 बज चुका है, और खाते समय ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि अब देखो एक हाथ से खाना खाना एक हाथ से पकड़ना, वो भी नॉन वेज तो अच्छा नहीं लगता, जो नॉन जो वेजिटेरियन है उनको अच्छा नहीं लगेगा व्लॉग देखने में। तो अभी सब कोई खा लिया, अब सब कोई जा रहा है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, चलो अभी से बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, चलिए गुड नाइट। तो सब कोई तो खा के जा चुका, मतलब मेरे फ्रेंड खा के जा चुका है, और देखो मेरे फ्रेंड थे तो अब मेरे डैडी को भी खाना था, मेरी बहन को भी खाना था, लेकिन वो उन सबके साथ नहीं खाना था, मतलब थोड़ा शर्म उन लोग आ रहे थे, थोड़ा शर्म इन लोग आ रहे थे, तो वो सब चले गए सब, अब ये लोग बैठे खाना अपना पीछे। तो अभी खाना तो बहुत ज़्यादा हो गया एकदम, मतलब कुछ ज़्यादा ही खाना हो गया। तो अभी का सीन का व्लॉग अभी मैं नहीं एंड करूँगा, व्लॉग सुबह में एंड करूँगा मैं, अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं, थोड़ा टहल लूँगा, कपड़े वपड़े चेंज करूँगा, टहल लूँगा, सोऊँगा सुबह, तो फिर जल्दी उठना भी है सुबह में, तो सुबह उठते हैं फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। हाँ, और वैसे आज हम लोग किसी मेरे मतलब हम लोगों ने मिल के बनाया था, तो अभी डैडी से पूछते हैं कि बना कैसा है, मतलब डैडी को कैसा लग रहा है अभी टेस्ट के हिसाब से, कैसा बना है डैडी बताइए, बढ़िया बना है, तुम बताओ कैसा बना है। अच्छा बना है, लेकिन जो गरम डैडी ने करने दी है वो गलती हो गया, गरम मेरा तो और अच्छा टेस्ट दे देता। हाँ मतलब टेस्ट वाइज बढ़िया बना। तो अब जिसने भी बनाया वो तो मेरा ब्लॉग देख ही रहा है, उसको पता है किसने बनाया, तो वो समझ ही गया, तो अच्छा बना था, मतलब रिव्यू वाज गुड, मतलब रिव्यू सबने बढ़िया रिव्यू दिया, मेरे डैडी ने रिव्यू बढ़िया दिया, मेरी बहन ने बढ़िया रिव्यू दिया, और उसने खाया तो उसने पता ही। अब देखो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि किसने बनाया था, वो थोड़ी अब छोड़ो रहे हैं, तो अब सुबह मिलते हैं चलो। हाँ, तो मैंने सोचा था कि सुबह में मैं व्लॉग एंड करूँगा, लेकिन मेरी मम्मी ने क्या बताया वो मतलब मेरे को पता था, लेकिन मेरे मतलब याद नहीं आ रहा था कल क्या, कल नहान है, तो कल मतलब मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, मौनी होता है ना, हाँ मौनी अमावस्या, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि सुबह उठो और बिना बोले नहाना पड़ता है, नहाने के बाद भी कुछ खा सकते हैं, यानी कि मैं ना उठ सबसे पहले उठ के ना एप्पल साइडर विनेगर पी सकता हूँ, ना ही मैं ब्लैक कॉफ़ी पी सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि कल सुबह मैं व्लॉग भी नहीं कर सकता हूँ, मतलब उठूंगा मैं उठते ही नहाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गलती से बोल बोल दिया तो थोड़ा अशुभ माना जाता है उससे, मतलब इतना मैं कहाँ डीपली जाऊँ अंदर, तो जो थोड़ा अशुभ माना जाता है उस वजह से मैं सुबह नहीं व्लॉग कर पाऊँगा। हाँ जी, तो सॉरी 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 सॉरी, मैं तो बोल ही नहीं सकता जब तक मैं नहाऊँगा तब तक नहीं, तो मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ, और जो अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो मेरे मन की आवाज़ है, तो सोचो हम लोग कनेक्शन कितना गहरा है कि आप मेरे मन की आवाज़ तक सुन पा रहे हो। बस तो देखो भले ही आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठा, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठने का मतलब ये नहीं होता है कि अपना रूटीन फॉलो ना करना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मतलब अब नहाने जैसे रोज़ सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहले एप्पल साइडर विनेगर पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, वो आज मैं सुबह उठ के नहीं पी सकता, आज मैं जिम भी नहीं गया, लेकिन अभी नहाने वहाने के बाद अभी तो मैं पी सकता हूँ, तो आज अभी नहाने वहाने के बाद अभी एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स हैं ना जो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू ड्रिंक दिस, मतलब कोई भी ब्रांड का पियो लेकिन पियो जरूर। तो फिलहाल तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।